तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने कार्डियक साइकिल के बारे में। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि अपना ऑरिकल सिस्टोल क्या होता है, अपना एट्रियम कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपना वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत मिक्सचर सा हुआ है इसलिए उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली कार्डियक साइकिल में हमारे तीन स्टेप्स हैं जो कि एक साइकिल में चलते हैं। पहला होता है अपना ऑरिकल सिस्टोल, दूसरा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, तीसरा अपना जॉइंट डायास्टोल। अब ऑरिकल सिस्टोल होता है अपना 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है अपना 0.3 सेकेंड्स का, और 0.4 सेकेंड्स का होता है अपना जॉइंट डायास्टोल। अब हम पढ़ेंगे कि इन में होता क्या क्या। अब ऑरिकल सिस्टोल इस वर्ड से ही समझ आते हैं, इसका मतलब होगा हमारा जो ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, या हमारा जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि हमारा जो ब्लड एट्रियम में फिल्ड है वो पुश होना लगेगा अपने वेंट्रिकल्स में। तो ब्लड इज पम्प्ड इन द वेंट्रिकल्स। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारा ब्लड एट्रिया से अपने वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ये दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों के लिए होगा, तो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने चाहिए, तभी हमारा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। दूसरी बात यह है हमारे यूस्टीचियन और थिबेशियन वाल्व दोनों बंद होने चाहिए। यूस्टीचियन वाल्व अपना इन्फीरियर वीना कावा की ओपनिंग पे था और थिबेशियन वाल्व अपना कोरोनरी साइनस की ओपनिंग में प्रेजेंट था। अगर आपको नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियोज़ में ये डिस्कस भी किया। इनको बंद इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमें ज़रूरत है कि हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हमारा ब्लड वापस से इन्फीरियर वीना कावा या फिर कोरोनरी साइनस में भी चला जाए, इसलिए ये वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो सके। और अपनी सुपीरियर वीना कावा और पल्मोनरी वेन, पिछली वीडियो में मैंने बताया था इनमें कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनमें भी तो वापस जा सकते हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट इस तरह की है कि जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है इनकी जो ओपनिंग होती है वो उसके मसल्स में ऐसे क्लोज हो जाती है, तो वो पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो जाती है। उसके बाद जब हमारा एट्रियम सिस्टोल में, मतलब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारे वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे। इनका डायस्टोल में होना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वेंट्रिकल्स भी हमारे सिस्टोल में है तो आपको पता ही होगा कि वेंट्रिकल्स का मसल्स बहुत थिक होते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एट्रियम में कतई हमारा ब्लड नहीं आ सकता, क्योंकि वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो उनका प्रेशर ज़्यादा होगा एट्रिया के प्रेशर से, सो हमारा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ ही नहीं सकता, इसलिए वेंट्रिकल्स का डायास्टोल में होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हमारा ब्लड अपने वेंट्रिकल्स में आ गया, पहले आप ये डायग्राम भी दे सकते हो, इसमें दिखाया हुआ है कि हमारा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है अपनी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ चुका है, अब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो हमारा ब्लड है अपने राइट वेंट्रिकल से अपनी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला अपने आयोटा में जाएगा और वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा। अब ये होने के लिए पहला बात ज़रूरी है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व अपने बंद हो जाएं। बंद इसलिए हो जाएं ताकि हमारा वेंट्रिकल वाला ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए, और इनके क्लोज होने पे ही हमें एक आवाज़ सुनती है जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, और वो होती है अपनी लब। तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है जब हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ये तो कॉमन सेंस है, तभी हमारा ब्लड जा पाएगा अपनी पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के अंदर। दूसरा तीसरा पॉइंट है कि ऑरिकल्स हैं वो अपने डायस्टोल में होंगे, क्योंकि इससे पहली स्टेज में अपने सिस्टोल में थे तो इस स्टेज में ऑरिकल्स अपने डायस्टोल में हो जाएंगे। अब कईयों को लगता है कि हमारा ऑरिकल डायस्टोल में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसके अंदर वेन्स एंटर हुई हैं उसके अंदर ब्लड फिल हो पा रहा है, लेकिन इस स्टेज में ऑरिकल्स में ब्लड फिल नहीं हो पाता या थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर ही इतना हाई है, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो वेसल्स हमारे ऑरिकल्स में एंटर हो रही है वो उस हाई प्रेशर के कारण उसके अंदर ब्लड नहीं दे पाती। तो ऑरिकल के अंदर ब्लड फिर से कब आता है, वो आता है अपने जॉइंट डायास्टोल में। तो जॉइंट डायास्टोल में अपना सारे के सारे चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं,
तो इजीली हमारा ब्लड जो डिऑक्सीजनेटेड है वो अपने राइट एट्रिया में एंटर कर सकता है, और पल्मोनरी वेन वाला ब्लड भी अपने लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया में एंटर कर सकता है। तो जॉइंट डायस्टोल में सारे के सारे चैम्बर्स रिलैक्स होंगे और हमारा ऑरिकल में ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अपना सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो गया था, क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से वो सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो गया था। लेकिन अब अपने वेंट्रिकल में कोई भी ब्लड नहीं है, ना ही ज़्यादा प्रेशर है, तो सेमी ल्यूनर वाल्व अब अपना बंद हो जाएगा, जिसके बंद होने के कारण ही हमें सेकेंड हार्ट साउंड जो कि डप होती है वो सुनी सुनाई देगी। और ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमें कोई साउंड सुनती है तो वो वेंट्रिकल तो वो अपने वाल्व्स के बंद होने पे सुनती है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ ऐसे बंद होती है तो आवाज़ आती है, खुलने पे कोई आवाज़ नहीं आती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें पता कैसे चल रहा है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे हार्ट को ये सिग्नल कौन दे रहा है? तो एट्रिया या फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल दे रहा है अपना साइनो एट्रियल नोड। तो साइनो एट्रियल नोड जब ये ट्रिगर होता है तो ये मैसेज पहुंचाता है अपने एट्रिया को कि भाई मैं मैसेज दे रहा हूँ कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो ये दोनों राइट एट्रिया में भी जाएगा मैसेज और इसका लेफ्ट एट्रिया में भी मैसेज जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल्स में इतनी दूर तक ये सिग्नल नहीं पहुंच पाता। तो उसके लिए हमारे हार्ट में दूसरा स्ट्रक्चर है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की ही फर्दर ब्रांच हो जाती है जो कि अपने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाता है और वो फर्दर डिवाइड होता है, इसी को हम बंडल ऑफ फिश कहते हैं, और वो फर्दर डिवाइड होके अपने राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन में चला जाता है वेंट्रिकल्स के, और यहीं से हमारे वेंट्रिकल्स को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट होने का। तो ये वाले फाइबर्स पुरकिंजी फाइबर्स हैं, ये बंडल ऑफ हिस है, ये अपने एवी के फाइबर्स हैं, और ये अपना एवी नोड है, एवी नोड को मैसेज सेंड करेगा अपना एसए नोड। तो ये था कि सिग्नल लिंक कौन देता है एट्रिया या फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने की। अब हमने पढ़ लिया एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक साइकिल की तरह आप इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैंने इसको ऑरिकल सिस्टोल से बताया, एनसीईआरटी में आपको जॉइंट डायस्टोल से शुरू किया हो, तो अब हम एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद, ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट। इसका मतलब जॉइंट डायस्टोल में स्टार्टिंग में अपना हार्ट है। अब जॉइंट डायस्टोल में एट्रिया का प्रेशर बहुत कम ही होगा क्योंकि उसमें ब्लड अभी एंटर शुरू होना होगा। तो अब अपने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं वो ओपन होंगे, और ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वीना कावा फ्लोज इन टू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स। हमने भी पढ़ा था कि जॉइंट डायस्टोल में ही अपना राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आना शुरू हो जाता है। द सेमी ल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। हमने भी पढ़ा था कि सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे दिस स्टेज पे, जिसके कारण ही हमें एक डप वाली वॉइस सुनेगी। अब एसए नोड हमारा ट्रिगर होगा, मतलब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अगर एसए नोड अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो वो सिग्नल भेजेगा अपने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की दोनों को कि साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। अब उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारा पहली स्टेज आ गई अपने एट्रियल सिस्टोल की। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड प्रेशर इन टू द वेंट्रिकल्स बाई 30%। तो एट्रियल ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो 30% से बढ़ जाएगा। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड। अब जैसा मैंने बताया था कि एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल इतना तेज नहीं होता कि वो वेंट्रिकल तक भी पहुँच पाए, तो उसे वेंट्रिकल्स तक पहुँचाने के लिए हमने एक और नोड रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं एवी नोड, और इसकी फर्दर ब्रांचिंग होके ये अपने वेंट्रिकल्स के अंदर भी चला जाता है, और ये ब्रांचिंग ही अपने वेंट्रिकल्स को मैसेज भेजेंगी कि अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। सो द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड बाय द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड द एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब जब ये मैसेज पहुंच जाएगा तो अपने वेंट्रिकल वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अब अपनी स्टेज आ गई वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
नाउ द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन. हमने पढ़ा था कि जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में होगा तो अपना जो एट्रिया है वो डायस्टोल में होगा, मतलब वो रिलैक्स्ड होगा कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. नाउ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर. अब जब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण अपने सेमीलूनर वैल्व तो ओपन हो जाएंगे लेकिन अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व बंद हो जाएंगे ताकि वेंट्रिकल से एट्रियम में हमारा ब्लड ना जाए. नाउ एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर द सेमीलूनर वैल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड वाली और आयोटा में लेफ्ट वाला आर फोर्स्ड ओपन अलाउइंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवेज. द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स. इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ गया, मतलब वेंट्रिकल्स अब अपने रिलैक्स स्टेज में आ गए. अब अगर वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए मतलब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया. अब इसके कारण हमारे सेमीलूनर वाल्व्स बंद हो जाएंगे एंड इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर फर्दर डिक्लाइंस, अब और प्रेशर कम हो गया हमारे वेंट्रिकल का, तो अपने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो भी बंद हो गए थे अब वो वापस खुल जाएंगे, ओपन by the pressure of the atria exerted by the blood which was being emptied in them by the veins. अब जो हमारा एट्रिया है उसका प्रेशर बढ़ा होगा क्योंकि उसमें ब्लड एंटर हो रहा, तो अपने bicuspid और tricuspid valve अब खुल जाएंगे. उसके बाद जो ब्लड है अपना वो अगेन हमारा फ्रीली मूव करेगा वेंट्रिकल्स में और अपनी वही स्टेज फिर से आ गई joint diastole वाली. The ventricles and atria are now again in a relaxed joints diastole. Soon the SA node, अब फिर से SA node एक नया action potential generate करेगा जिससे ये cycle फिर से repeat होगा. Now the sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the atria and ventricle. अब हमें पता है कि heart हमारा 72 times per minute beat करता है. That many cardiac cycles are performed per minute. From this it could be deduced. अब आपको पता होगा starting में मैंने इनका time period भी बनाया था, तो अगर आप सबको add कर दो 0.4 plus 0.1 plus 0.3 seconds तो ये add होके 0.8 seconds आ जाएगा. अब from this it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. During each cardiac cycle the ventricle pumps approximately 70 ml of blood. अब हम जब भी हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कितने एम एल ऑफ ब्लड भेज रहा है, ईच वेंट्रिकल पम्प 70 एम एल ऑफ ब्लड, और इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. और अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को नंबर ऑफ बीट से मल्टीप्लाई करते हैं हमें एक नई वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट वो वाला वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा जो कि हमारा वेंट्रिकल पम्प कर रहा है एक मिनट में. मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम वो होगा जो हमारा वेंट्रिकल पंप कर रहा है एक बस एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पे, और कार्डियक आउटपुट उसको 72 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है तो इसकी वैल्यू 5000 ml टू 5 लीटर्स तक आ जाती है कार्डियक आउटपुट की वैल्यू. अब हमारी बॉडी डिफरेंट है तो हमें कैपेबिलिटी है कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर दें. जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है कि कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट will be much higher than that of an ordinary man. During each cardiac cycle, two prominent sounds हमने पढ़ी थी. पहली साउंड हमने पढ़ी थी जब bicuspid और tricuspid valve बंद हो जाएंगे और उसको हमने कहा था लब. दूसरी साउंड हमने सुनी थी जब अपना semilunar valves बंद हो जाएंगे और उसको हमने डब कहा था. तो यही हमें बताया गया. These sounds are of clinical diagnostic significance. तो इन्हीं साउंड से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि हमारे किसी वाल्व में प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इसी के साथ अपना कार्डियक साइकिल हमने पूरा कर लिया. अगली वीडियो में हम ईसीजी से शुरू करेंगे.